हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीओडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं ट्रैकिंग पे दूध सागर। हमारे साथ है मिस्टर नीलेश वन एंड वेलनेस, और हमारे साथ हैं सभी के चहेते मिस्टर प्रियांशु द कूल एंड हॉट गाय, और मोस्ट इंटेलिजेंट हमारे जय, और हमारे आयुष भाई, पूर्व प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर एंड राइट नाउ सबसे अमीर व्यक्ति आईटी डिपार्टमेंट के। और यहाँ पे हैं हमारे क्षितिज भाई और हमारे फौजी भाई द स्पीकर मैन। और फौजी भाई कैसे हैं? सब ठीक है। और दोस्तों, और एक लड़का हमारा सीआर दीपक गौर, और हमारे ये मुंडा भाई। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं दूध सागर में, और हमारे साथ है हमारे ये ट्रिप को प्लान करने वाले हमारे मिस्टर नीलेश। मेरा काम था प्यार से हम इन्हें नीलू बुलाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ इतने सारे लड़के हैं। मेरा काम था सब लड़कों को यहाँ तक पहुँचाना, टाइम पे पहुँचाना। हमारे जय भाई एज पर आवर प्लान सक्सेसफुली मेरे सबको यहाँ पे पहुँचा दिया है। ओके, पीछे दिखना चाहिए ना, नदी दिखानी। जल्दी लो, जल्दी लो, जल्दी लो भाइयों। अबे मैं नहीं दिख रहा। नीलेश आ गया आप। काफी सुंदर, काफी अद्भुत अद्भुत नज़ारा दोस्तों, आप देख सकते हैं। अरे बाप। प्रियांशु भाई, हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? फीलिंग क्लोजर टू द नेचर एवरी स्टेप इन दिस वाटर feels like I'm getting closer to the Achha, nature. Any message to our friend Shubham? Hi, Vijay Tolo. Hey bro. Shubham can stay the gandu that he is. Hello guys. That will not stop us from having fun, KK. Okay, okay. And our lovely friend Jay. This is an amazing place for chilling with friends and Mangal in Gangal. काफ़ी सुंदर, काफ़ी सुंदर इलाका है दोस्तों। हम यहाँ ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे फौजी भाई एसएसबी वाले। फौजी भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों के साथ मिलके। ओहो, नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओह माय गॉड, लवली। Guys, our trekking is started now, and Mr. Nilesh Kumar is enjoying this moment. And हम दूध सागर आ गए आज। Oh my God! Oh my God! How Jay is looking! ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे, बंदरों की संख्या बहुत है। दीपक गौर, Mr. दीपक गौर, show some attitude, man, show some. Oh my God! ये भी एक जीप गुजरी है। आयुष, show some. दूध सागर वॉटरफॉल। दोस्तों, दूध सागर के सुंदर वादियों के बीच हम सभी यहाँ पे जमा हुए हैं, और हमारे बीच हमारे दोस्त देख रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है दोस्तों, आप भी इस ट्रैक का आनंद उठा सकते हैं। और ₹700 एंट्री फी। नानी घर आइए दोस्तों, पैसे देता है। और हमारे महबूब भाई ये गाइड हैं, अगर आप आना चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और पीछे पीछे आप देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, यहाँ आपको कुछ पेय पदार्थ भी मिल सकता है। अरे तुमको छोड़ के ना। दोस्तों, अगर आप दूध सागर घूमने के लिए आ रहे हैं, अगर आप जीप से आएंगे तो जीप आपको यहाँ पर ड्रॉप करेगी, फिर आपको यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी उस झरने तक पहुंचने के लिए। तो हम लोगों ने ट्रैकिंग की है और हम लोग पैदल यहां तक आए हैं। अगर आप जीप से आना चाहते हैं तो आपको आपका कॉस्ट जो है उतना ही पड़ेगा, और हम लोगों ने 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है यहां से। और अगर आप जीप से आएंगे तो एंट्री फ़ी है वो उतना पर पर्सन सेम है, 600 रुपये 700 रुपये के आसपास है। अगर आप आना चाहेंगे
तो आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं इस जीप के माध्यम से। और आगे की सुगम यात्रा आपके हाथों में है, 2 किलोमीटर की यात्रा है। आप आनंद और गरिमापूर्ण झरने का आनंद उठा सकते हैं 2 किलोमीटर की यात्रा करके। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। पकड़ो थोड़ा करो तो आने ले सर को पकड़ के टाइम चल तुम फिर है। अरे तुम पहले पावला ले चलो ये रिटर्न आना चल बेटा। तुमने पाजी में हटे करते नौजवान हो आप लोग टाइम हो जाना आप मेरे का ट्रेन में करनी है वही ट्रेन ये देखो मेरे तो दोस्तों कुछ इस तरह की ट्रैकिंग आपकी होगी उधर हो रही है ट्रैकिंग और आप देख सकते हैं उधर लोग नहा रहे हैं। प्रियांशु भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए आगे देखिए। आप गंगा करवाइएगा के के एम। चलिए आगे आगे गंगा करवाइए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। एक दो तीन एक। और दोस्तों ये है दूध सागर, इसी को लोग कहते हैं दूध सागर। और हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था। और हमारे आयुष भाई काफी काफी तैयार हो गए हैं। चलो चलो। और गाइस हमारा गाइड ट्रेन आ रहा है, हमारा गाइड हमें बुलाता हुआ। लेट्स गो गाइस, ट्रेन इज कमिंग। देख सकते हैं काफी सुंदर नजारा, ऐसा नजारा अद्भुत अद्भुत अतुलनीय नजारा आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड दूध सागर। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। देखिए इस समय ट्रेन आने वाली है, ट्रेन कुछ ही दूरी पर है, ट्रेन यहाँ से क्रॉस करेगी। काफ़ी सुंदर नज़ारा होगा और इस नज़ारे को मैं अपने कैमरे में कैद करते हुए मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। नेचर के बीच जब आप आएंगे तो एक अलग ही अनुभूति आपको होती है और हमें यह कहने में काफ़ी गर्व होता है कि ऐसे सुंदर प्राकृतिक छटाएं हमारे देश भारत में हैं। और गोवा में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे हैं और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लोग घूमने के लिए आए अपने फैमिलीज़ के साथ, हम अपने दोस्त के साथ आए हुए हैं। तो आप आइए देखिए और इस नज़ारे को अपने कैमरे में मैं कैद कर रहा हूँ ताकि आप भी इस नज़ारे को देख सकें। आइए देखिए देखिए ट्रेन गुजरता हुआ वहाँ से। चेन्नई एक्सप्रेस आपने देखा होगा, ब्यूटी ऑफ नेचर दोस्तों, वी शुड थैंक गॉड। Thank you.
मेरे को।